जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खिरा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अनंत भर्ती परीक्षाओं में घोटाले चल रहे हैं। अभी नर्सिंग स्टाफ का जो पेपर हुआ है वो लीक हुआ। पटवारी का भी सुनने में आ रहा है कि भाई पेपर लीक की तैयारी थी इन लोगों की, कि पटवारी का पेपर भी इन लोग लीक करेंगे। तो ऐसे अनेक घोटाले मध्य प्रदेश परीक्षाओं में हो रहे हैं, जिसके कारण छात्र जो है वो दुविधा में है कि वो पेपर में तैयारी करें ना करें, क्योंकि भैया पेपर तो यहां पे बिक रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल। ग्वालियर में अभी जो एएनएम का पेपर हुआ था वहां पे हुए हैं। अब ये आर्टिकल पढ़िए आप, 2 साल में सीएचओ समेत 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट करा चुकी है गैंग। मतलब आप सोच लीजिए, इतने सारे पेपर आउट करवा रही है ये गैंग। और इसकी एक ये आर्टिकल पढ़िए, पटवारी व अन्य परीक्षाओं के पेपर आउट कराने के लिए भी बुकिंग कर रहे थे आरोपी। मतलब भाई पटवारी परीक्षा का पेपर लीक करने की भी तैयारी थी इनकी, और ये सारी चीजें चल रही थी। आप देख सकते हैं, आउट हुआ पेपर 2.5 से 3 लाख रुपए तक में बेचा था। अब सोच लो, आप ये पढ़ लो, ये पूरा जो आर्टिकल है यहां से, है ना, हर चीज में यहां पे धांधली चल रही है मध्य प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो पेपर हैं वो टाइम से होंगे? क्योंकि इन धांधलियों के कारण समय आगे बढ़ता है, फिर बच्चा ओवर एज हो जाता है, पेपर निरस्त कर दिया जाता है, फिर से फॉर्म भराए जाते हैं, तब तक कुछ बच्चे जो हैं ओवर एज हो चुके होते हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोग जो पेपर लीक करते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो रात भर अपनी आंखें फोड़ रहा है किताबों में, जो लगातार पढ़ रहा है, सालों से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उनके अरमानों में ये लोग तो पानी ही फेर देते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें कैसे हो रही हैं मध्य प्रदेश में। आप सोच सकते हैं उस छात्र के भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा इससे, जो मेहनत करके पढ़ रहा है। क्योंकि भाई यहां पे तो सीटें बिक रही हैं, पेपर बिक रहा है 5-5, 6-6 लाख रुपए में। जो मेहनत कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, जो दिन रात अपनी आंखें खपा रहा है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो लोग ये पेपर वेपर लीक कर रहे हैं ना भाई, मतलब कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है ये। कि भाई आप सोच रहे हैं एनएचएम का पेपर लीक हुआ, ऐसे बहुत सारे, है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी पेपर लीक हुई थी। अब 2.5 से 3 लाख रुपए में बेच रहे थे, है ना, एनए भर्ती परीक्षा ग्वालियर में ये पेपर लीक हुआ। आपको बता दूं पूरी तरह इसमें अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं, बिहार, यूपी। अब बताइए, तो पेपर लीक हो रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के समस्त प्रशासन को ना इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक भर्ती परीक्षा अगर निरस्त होती है तो उसमें काफी सारे छात्र जो है वो परेशान होते हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन छात्रों को। तो बस यही निवेदन है यार, मतलब सरकार से भी, इन जैसी जो घोटाले चल रहे हैं, इन सभी जैसे घोटाले हो रहे हैं, इन सभी चीजों में वो अंकुश लगाए, इन चीजों में मतलब एकदम सख्त हो जाएगी। जो पेपर है एकदम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। और ऐसी भाई मुंबई की एजेंसी से पेपर लीक का संदेह, और ऐसी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसियां हैं, ऐसी जो ब्लैकलिस्ट एजेंसीज हैं, उनको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको पेपर कराने देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी एजेंसीज हैं, पेपर अक्सर लीक कहां से होता है, इन्हीं एजेंसीज से होता है। मेरा कहना तो यही है कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, नामी एजेंसीज हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्हें ये जिम्मा सौंपना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये जिम्मा देना चाहिए कि भाई आप एक अच्छे से पेपर कराएं, जो बिल्कुल पूरा निष्पक्ष रूप से हो, जहां पे छात्रों को दिक्कत ना आए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग पढ़ना छोड़ देंगे, लोग बस पैसा जोड़ेंगे, पैसा जोड़ के ऐसे पेपर खरीदेंगे और फिर जाके सिलेक्शन लेंगे। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ये हालात चल रहे हैं, और आप के साथ साथ सभी को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूंगा कि ये सब चीजें सॉल्व हों, ऐसे दोबारा घोटाले जो ना हो, अन्य जो भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे पटवारी हो, इन सभी के पेपर्स का ऐसा कुछ भी ना हो। और बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा। अन्य किसी सहायता के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।